हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में आपको एक वर्ल्ड देने वाला हूँ। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं वापस आ चुका हूँ और इसमें मेरी गलती। हर बार मैं आपको कहता हूँ कि सपोर्ट दिखाई, एंगेजमेंट डाउन है, लेकिन फिर मैं ही भाग जाता हूँ और बहुत लेट वीडियो आती है, लेकिन फिर भी आपका सपोर्ट आता है। मैंने एम रखा था पिछली वीडियो पर 50 लाइक्स का और अपने 100 कर दिए। थैंक्स फॉर दिस अमेजिंग सपोर्ट। तो आज की वीडियो में आपको ऐसा वर्ल्ड देने वाला हूँ कि वो आपके लिए बहुत ही अच्छा स्टार्टर बन सकता है। और ऑब्वियसली हर बार की तरह इस बार भी सर्वाइवल वर्ल्ड ही दे रहा हूँ। तो एक स्मॉल हाउस है, लेकिन उसमें रिसोर्स बहुत ही तगड़े हैं। तो अभी आपको आगे वो वीडियो में दिख जाएगा। और इस जो वीडियो है, इसका भी एम मैं 50 लाइक्स रख देता हूँ। आई होप ये भी आप कर दोगे और इससे ज़्यादा ही करोगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ओके, तो हर बार की तरह इस बार भी प्रूफ दे रहा हूँ, देख सकते हैं कि इस सर्वाइवल में है। और अचीवमेंट्स आप अगर लॉग इन करेंगे अपने अकाउंट से तो वो हो सकते हैं। और मुझे सजेस्ट कीजिएगा कमेंट में कि आपको किस किस यूट्यूबर या कैसे वर्ल्ड चाहिए। आपको रेस्टोरेंट चाहिए, आपको जैसा भी चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। एंड उसी के साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने न्यू वर्जन अगर डाउनलोड नहीं किया है माइनक्राफ्ट का, तो वो भी बता दीजिए। मैं आपको उसकी भी लिंक दे दूँगा या उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, क्योंकि उसमें एक नया यूआई उन्होंने ऐड किया है। क्योंकि मैं बीटा खेलता हूँ तो मुझे पता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे बना के रखा है। और मैं आज शेडर्स यूज़ नहीं किए, मैंने अभी भूल गया था रिकॉर्डिंग के वक्त। तो अभी देख सकते हैं एक फ्रैंकलिन जो उसका घर है, वैसी फील आ रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है तो ऐसा ही गेट वहाँ पे भी होता है। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा स्विमिंग पूल यहाँ पे बना रखा है। तो डेकोरेशन बहुत ही अच्छी है स्टार्टर हाउस के लिए। तो ये तो हुई डेकोरेशन की बात, तो चलो अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं कि अंदर का माहौल कैसा है। तो अभी हम अंदर चलते हैं। तो यहाँ जैसे ही आप अंदर चलेंगे तो यहाँ पे एक कुछ कैंडल्स रखे हैं, और जैसे ही आगे जाएंगे कुछ बुक्स हैं, और यहाँ पे कुछ खाना है, बहुत सारा खाना है आपके लिए चेस्ट में। और शायद से कुछ नॉइज़ आ रही होगी पीछे से, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर देना। मैं अभी सेटअप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और एडिटिंग को भी हम बहुत इम्प्रूव करने वाले हैं, तो इसीलिए टाइम लग रहा है। तो चलिए ऊपर चलते। ऊपर चलते ही आपको एक रूम दिखेगा जहाँ पे बाथरूम दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वैसी, जैसे हर घर में आपको बाथरूम दिखता है, उतना भी खास नहीं है, लेकिन आपके स्टार्टर के लिए ठीक ठाक ही है। तो यहाँ पे एक और रूम देख जाएगा आपको, इसको ऑफिस भी कह सकते हैं। और यहाँ पे आपको डायमंड, आयरन और गोल्ड भी दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बुक शेल्फ्स की भी दिख जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे एक बेड है और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं। तो बात करें नेक्स्ट रूम की, तो यहाँ पे भी एक आपको चेस्ट दिख जाएंगे और बहुत सारे बेड्स के साथ लाइट्स भी दिख जाएंगी। और यहाँ पे एक पूरा आर्मर और दो एलाइट्रा और आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे एक कंपस भी दिख जाएगा और भी बहुत चीज़ें। तो उसके स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, थंबनेल में काम आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ ऑफिस टाइप का बना रखा है और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं। तो बस जैसे ही बाहर निकलेंगे यहाँ पे कुछ डेकोरेशन करके रखी है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है, शेडर के साथ ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।